subscribe my channel and press the bell icon. मुंबई बॉक्स ऑफिस पर इस बार दर्शकों को अलग अलग स्वाद देखने को मिलेगा। एक तरफ देवल्स खुलकर हंसाएंगे तो दूसरी तरफ फिल्म स्त्री हंसते हंसते डराएगी। दोनों फिल्म से अच्छे कारोबार की उम्मीद की जा रही है। हाय फ्रेंड, मैं हूं निभा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट। क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इस बार शुक्रवार 31 अगस्त को यमला पल्ला दीवाना तो दूसरी तरफ स्त्री फिल्म रिलीज होने जा रही है। अवनीत सिंह के निर्देशक में बनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से इस सीरीज का तीसरा भाग रिलीज होने जा रहा है। देवेंद्र अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ पहली बार यमला पगला दीवाना के नाम से 2011 में ये फिल्म रिलीज हुआ था। फिल्म का टाइटल 1975 में आई धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा के गाने से लिया गया था। आमिर कार्निक ने उसका निर्देशक किया था। के 2 साल बाद फिल्म का दूसरा भाग जिसके निर्देशक संगीत सवीन थे। फिल्म का तीसरा भाग है। फिल्म में कृति खरवंदा, अश्वरानी और सतीश कौशिक भी हैं। आपको बता दूं कि इस फिल्म के एक गाने में रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा को गेस्ट के तौर पर देखा जा सकता है। करम स्त्री फिल्म की तो दावा है कि फिल्म डराने के साथ साथ हंसाएगी भी। इस फिल्म में राजकुमार राव एक दर्जी के किरदार निभाने वाले हैं, लेकिन फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा कपूर निभाने वाली है, लेकिन पता चलता है कि वह एक भूत है। ये फिल्म कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की कुछ घटनाओं पर आधारित है। करीब 2 घंटे 7 मिनट की है ये फिल्म। फिल्म स्त्री में पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, विजय राज का भी अहम भूमिका है। फिल्म का बजट 25 करोड़ के आसपास ही बताया गया है। फ्रेंड्स, यमला पगला दीवाना और स्त्री फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख कर दे सकते हैं। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय माय फ्रेंड्स।